नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज़ में। मुंबई में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश जारी है। मुंबई में मॉनसून पहुंचने के बाद से ही लगातार बारिश हो रही है और शहर में कई इलाकों के कई फुट तक पानी भर गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दस्तक देते ही पूरा मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक इसी तरह बारिश जारी रह सकती है। मुंबई के लिए अगले चार दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई के अलावा पड़ोसी जिलों ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर चेतावनी दी गई है। मुंबई में आज भी हाई टाइड की आशंका व्यक्त की जा रही है। अंधेरी ईस्ट के सब्बे में पानी भर गया है और वाहनों के आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई के साइंस स्टेशन के पास भी सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस बार मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून समय में दो दिन पहले ही आ गया है। गुरुवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 221 मिलीलीटर बारिश हुई। मुंबई में जून के महीने में अब तक 426 मिलीलीटर बारिश हुई है, जबकि आमतौर पर यहां लगभग 90 मिलीमीटर बारिश होती है। भारी बारिश से देश की वित्तीय राजधानी तथा उनके उपनगरों में कई स्थानों पर पानी भर गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क यातायात के साथ ही लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर और अलीबाग में बढ़ा खतरा है। सिंधुदुर्ग, रायगढ़, महाबलेश्वर और रत्नागिरी सहित कोंकण के अन्य इलाकों में भी अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अरब सागर के पूर्व मध्य के उत्तर की तरफ बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में भी एकदम कम दबाव के क्षेत्र बनने से मुंबई में भारी बारिश हो रही है। इस बार मानसून के दौरान 18 दिन हाई टाइड आने की संभावना है। इस दौरान समुद्र में लहरों की ऊंचाई 10 मीटर तक जा सकती है। इसमें 6 दिन तो सिर्फ जून महीने में ही है। हाई टाइड का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण गुरुवार को विमानों का उड़ान परिचालन लगभग 30 मिनट तक रुका रहा। एक बयान में कहा गया है कि रनवे ऑपरेशन के बंद होने के कारण 3 उड़ानें प्रभावित हुई। निजी हवाई अड्डा परिचालक ने कहा कि कम दृश्यता के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान चली चालन एहतियात के तौर पर बृहस्पतिवार शाम 4:04 पर शाम 4:32 के बीच निलंबित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान हवाई अड्डे के इर्द गिर्द 2 विमानों को चक्कर लगाते देखा गया, जबकि एक उड़ान को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। एक बयान में ये भी कहा गया कि परिचालन फिर से शुरू हो गया है और निर्धारित कार्यक्रम के तहत चल रहा है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें सीटीडी न्यूज़। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।